Good morning, all of you. Today, discuss trigonometric ratio या trigonometric ratio of some specific angle. Some specific angle means 0 degree, 30 degree, 45, 60 and 90 degree पढ़ना है. इसको याद रखने के लिए पहले आप देखिए यहाँ पर जो टेबल आपको बता रहे हैं बोर्ड पर, इसमें यहाँ पर लिख लिए ये सब का वैल्यू आपको मालूम करना है. 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री. अब आप इसको जीरो इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक बताते हैं कि 0, 1, 2, 3, 4 यानी ये आपका होल नंबर हुआ, 0 से 4 तक ले गए. ठीक है, ये सभी को 4 से डिवाइड कर दो. सभी को हम 4 से डिवाइड कर देते. अब 4 से डिवाइड करने के बाद सभी का स्क्वायर रूट फाइंड कर लो. क्या फाइंड कर लिए? स्क्वायर रूट. बोर्ड पर देख पा रहे हो राम? हाँ, इतना जो लिखे अब इसका वैल्यू तुम लिखो. ये याद रखना कि 0 को अगर कोई भी नंबर से डिवाइड करो, हम नंबर एक 1 कर दे, डिनोमिनेटर में 1 लिखा जाता है. तो 0 को कोई भी नंबर से डिवाइड करो, कोई नंबर मतलब 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो या 1 लाख से डिवाइड कर दिए, इसका वैल्यू 0 ही होगा. लेकिन कोई भी नंबर को अगर आप 0 से डिवाइड करते हो तो इसको इन्फिनिटी कहेंगे या मीनिंगलेस कहेंगे. क्या लिखेंगे? मीनिंगलेस. ये याद रखना है. क्या याद रखना है? तो 0 को कोई भी नंबर से डिवाइड करो तो 0, और कोई जस्ट इसका रेसिप्रोकल कर दो तो इन्फिनिटी. इन्फिनिटी मतलब आप काउंटिंग मीनिंगलेस. ओके, जिसका कोई भी मीनिंग नहीं है. यानी 0 को ये अपोजिट हो गया, उल्टा हो गया. अब बताओ 0 को कोई भी नंबर से डिवाइड करें, इसका वैल्यू क्या आ गया? क्या आ गया? 0 आ गया. 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का स्क्वायर रूट 2. 1/2 इसको सिंपलेस्ट फॉर्म कर दिए, 1 का स्क्वायर रूट 1 और नीचे बच गया रूट 2. कैसे? रूट 2 ही छोड़ दे, स्क्वायर रूट 2 में रहने दिए. यहाँ पर 4 का डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट 2 और न्यूमरेटर का भी रूट में ही रोल करने दिए. हम यहाँ पर 1.73 नहीं लिखेंगे, अभी रूट में ही याद रखेंगे. ये 4 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ गया? 1 आ गया. 1 का स्क्वायर रूट 1. अब इसकी जरूरत हमको नहीं है, हम इतना ये समझने के लिए आपको बताए थे. अब जो ये जो सॉल्यूशन आया 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, यानी ये साइन थीटा का वैल्यू हो गया. क्या हो गया? साइन थीटा का वैल्यू आप फाइंड करोगे. इसका वैल्यू हो गया साइन थीटा का. अब हरे राम, हम आपसे पूछेंगे कि बताओ साइन थीटा की जगह पर 0 डिग्री हो जाए. यही याद रखना, साइन 0 डिग्री क्या बोलोगे? 0. हम पूछेंगे साइन 30 डिग्री क्या कहोगे? 1/2. साइन 45 डिग्री 1/√2. साइन 60 डिग्री √3/2 और साइन 90 डिग्री. यही याद रखना है. अब साइन के बाद कॉस थीटा भी आ गया. इसमें आ गया कॉस थीटा. साइन के बाद कॉस थीटा. कॉस थीटा के लिए क्या करना?
ये आपका जो साइन का वैल्यू लिखना है इसी का अपोजिट लिख दो, वन को आप यहाँ लिख दीजिए, टू थ्री बाय टू को सेकेंड थर्ड में यही सेम हो जाएगा, फोर्थ में वन बाय टू और फाइव में जीरो, यानी इसी को उल्टा करके लिख दिए, यानी अपोजिट डायरेक्शन। ये कॉस का वैल्यू आपको मालूम हो गया। अब आपसे पूछेंगे थीटा के प्लेस पर कॉस 0 डिग्री कहोगे वन, कॉस 30 डिग्री 14/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2 और कॉस 90 0 डिग्री। दो का वैल्यू समझ गए, साइन और कॉस का। अब आगे पढ़ोगे एक फॉर्मूला टैन थीटा होता है, टैन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। देखो यहां लिख रहे हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये फॉर्मूला एक है आइडेंटिटी। तो उसी उसी ढंग से अगर टैन का निकालना है तो जैसे टैन 0 डिग्री निकालेंगे, जब थीटा 0 हो गया तो इधर भी 0 हो जाएगा, तो साइन 0 बाय कॉस 0। कहने का मतलब कि अगर इस दोनों को आप डिवाइड कर दें तो टैन का वैल्यू आ जाएगा, क्या आ जाएगा, टैन का वैल्यू आ जाएगा। जैसे अब आप डिवाइड करो तो 0 को 1 से डिवाइड करोगे, 0 को 1 से डिवाइड करेंगे क्या लिखेंगे, 0/1 इज इक्वल टू, अभी जस्ट बताए थे 0, 0 को कोई भी नंबर से डिवाइड करो इज इक्वल टू 0। चलिए अब डिवाइड करो 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, क्या आएगा इसका आंसर, 1/2, और हम डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड का अपोजिट मल्टीप्लाई करोगे तो 2/√3, 2 कैंसिल क्या बच गया 1/√3, यानी ये क्या हो गया 1/√3। इस दोनों को डिवाइड करेंगे तो जो चीज नोमिनेटर में है वही डिनोमिनेटर में, कट के क्या हो जाएगा 1। यहां पर डिवाइड करोगे √3/2, डिवाइड का अपोजिट मल्टीप्लाई करेंगे 1/2, तो 2/1 2 कैंसिल क्या बच गया √3, क्या बच गया यहाँ पर √3, और 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये इंफिनिटी का सिंबल है या आप मीनिंगलेस भी लिख सकते। ये तीनों आप समझ गए, बोलिए आप साइन का बता दिए, कॉस का बता दिए और टेन थीटा का बता दिए। अब बताइए तो साइन का अपोजिट क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक थीटा। तो समझो कि इसका जो वैल्यू लिखना है तो साइन को देखो, साइन में 0 डिग्री का लिखना है, कॉसेक 0 का, तो इसी का रेसिप्रोकल कर दो, यानी समझो ये 0/1 है तो रेसिप्रोकल करेंगे क्या हो जाएगा बोलो, और 1/0 मीन्स इन्फिनिटी। हाँ इसका, अब आते हैं 30 में, इसका रेसिप्रोकल 1/2 का रेसिप्रोकल, 2/1 नीचे में 1 नहीं लिखेंगे, नीचे में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, फिर इसका रेसिप्रोकल करेंगे 1/√2 को तो √2 होगा, और √3/2 को क्या लिखेंगे 2/√3, और 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ कॉसेक 0 डिग्री तो कहोगे इन्फिनेटी, कॉसेक 30 डिग्री 2, कॉसेक 45 √2, कॉसेक 60 2/√3 और कॉसेक 90 डिग्री 1। तो ये साइन का अपोजिट से कॉसेक लिख दिए। अब कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक। सेक तो कॉस का अपोजिट 1, √3/2 का 2/√3, यहाँ पर √2, यहाँ 2/1 तो 2, और 0 का समझो 1/0 होगा, 1/0 मीन्स इन्फिनिटी मीनिंगलेस, ठीक है। क्या
क्या हो जाएगा, 0/1। यहाँ पर आपका लिखे थे सेक, वन का अपोजिट वन ही हो गया, ठीक है ना। अब आते हैं टेन का अपोजिट कॉट थीटा, कॉट थीटा। तो 0 का अपोजिट यानी 1/0, 1/0 मीन्स इनफिनिटी। 1/√3 का रेसिप्रोकल √3, यहाँ पर 1 और √3 का रेसिप्रोकल 1/√3 और इनफिनिटी। इनफिनिटी मतलब 1/0, तो 0/1 = 0। तो ये आपको याद कर लेना है ना, ये बहुत जरूरी है टेबल, इसका आप टेबल में कन्वर्ट कर दो। और हम एक ट्रिक से आपको लिखने के लिए बताए हैं कि अगर जिसको याद नहीं भी है वो अपने से टेबल बना सकता है, लेकिन एग्जाम में अगर आपको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि फाइंड 10 45 डिग्री, फाइंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10 45 डिग्री, अगर आप जानते हैं डायरेक्ट वन लिख देंगे, चार ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, नहीं जानते हो इतना बड़ा टेबल बनाने में कितना टाइम लगेगा, कम से कम 10 से 15 मिनट, जो कि आपका टाइम लॉस हो जाएगा। हाँ, आप घर पर ये टेबल बना करके याद रखने के लिए आपके लिए ठीक, ओके।